नमस्कार, हमारे साथ कमिश्नर म्युनिसिपल श्री यशपाल यादव जी हैं उपस्थित, और आज ये एनआईटी के ब्लॉक 3D में पार्क में एक लीफ कंपोस्टर को इनॉग्रेट करने के लिए आए हैं। सर, एनआईटी की तरफ ना सभी की नज़र रहती है, चाहे वो अतिक्रमण की बात हो या सफाई की बात हो। सबसे बड़ी मार्केट है वो भी एनआईटी की ही है फरीदाबाद में, और बहुत सारे और एस्पेक्ट्स और चैलेंजेस थे, लेकिन इस तरह का इनिशिएटिव पहली बार लिया गया है फिलहाल फरीदाबाद में कि लोकल रेजिडेंट्स ने और RWA ने और कुछ ओनर्स ने मिल के एक लीफ कंपोस्टर यहाँ पे लगाया है। और वैसे कहते हैं लोग कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, लेकिन लोगों का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव पे आप क्या कहना चाहेंगे? फरीदाबाद की अगर वास्तव में पहचान है किसी भी वजह से, चाहे वो कल्चरल फील्ड है या इवन बाद में इंडस्ट्रियल हब भी बना, तो वो सारा का सारा NIT के क्षेत्र से शुरू हुआ और इस एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हीं की उद्यमशीलता का परिचायक है कि शहर इतना बड़ा ग्रो कर रहा है। तो जहाँ जब ये बसाया गया था उस वक्त का इसकी प्लानिंग, और आज भी आप मौके पर जाकर देखेंगे तो इतने अच्छे तरीके से, इतने प्लान तरीके से इतने सालों पहले इसको बसाया गया था, इसको वो वापस एक अच्छे रूप में लाने का प्रयास यहाँ के लोग कर रहे हैं। और सरकारी संस्थाएं काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक लोग खुद इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे चीज़ों को बेहतर नहीं किया जा सकता है। यहाँ की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है और ये जो सब लोग इसको देखते हैं, मिस बब्बर हैं हमारे साथ में जो इन सब लोगों की मदद से एक ये इनिशिएट इन्होंने यहाँ पर नया चीज़ की है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सक्सेसफुल रहेगा और इसको बाकी लोग भी रिप्लिकेट करेंगे। तो लोगों की भागीदारिता के ऊपर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, और यही एक मॉडल है जो सक्सेसफुल हो सकता है। राइट सर, ये जो फर्स्ट फेज ऑफ क्लेनलीनेस है, यानी कि सेग्रीगेशन पे जो काम हो रहा है, उसके साथ साथ और चैलेंजेस भी उठे आए हैं। सैनिटेशन है, रोड्स है, बहुत सारी इनिशिएटिव्स पर लगातार साथ साथ काम होगा। क्या लगता है आपको कि अगर जनता की भागीदारी हो तो व्हेन कैन वी अचीव एटलीस्ट कंसिडरेबल चेंज इन द सिटी? लोग जिस दिन 100% साथ हो जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देता है, आप दिनों के अंदर शहर को बदलते हुए देख सकते हैं। और पिछले कुछ महीनों का अनुभव यही है कि लोग बदल रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, खुद चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के अंदर जो ये ललक जागी है, एक तरह की भावना जागी है, ये शहर को बहुत सुंदर बनाने वाली है। और ये जो 2022 का साल होगा, ये फरीदाबाद के लिए एक बदलाव का साल होगा और एक बेहतर शहर बनाने की तरफ हम बहुत तेजी से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। आपने देखा और यशपाल जी को सुना भी कि आज जिस तरह का इनिशिएटिव RWA और लोकल रेजिडेंट्स ने लिया है, हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, लेकिन शहर को साफ रखना केवल कचरा ही नहीं परंतु इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराना भी है। मैं बात करूंगी आज ट्रेनर मोनिका बब्बर। मोनिका जी, नगर निगम के इस अभियान में, क्लेंडिनेस में, स्वच्छता में वार्ड 11 से इनिशिएटिव शुरू कर चुकी थी और बहुत एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया कई क्लेंडिनेस ड्राइव्स में, और जनता का सपोर्ट अपने साथ बटोरना, मोनिका से जानते हैं कि कैसा। मोनिका, बीइंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब और इस तरह के इनिशिएटिव को, चैलेंज को लेना, लोगों का साथ जुटाना कितना आसान या कितना मुश्किल था, वो चैलेंज शेयर कीजिए। मैडम, आप जानते हैं कि जब हमने ये स्टार्ट किया था बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद, तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया था, बहुत ही पैथेटिक था सिचुएशन। बट फिर कहीं हमने कहा कि ये साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ सड़क एक आम हमारा मूल रूप अधिकार है, उसके लिए एक आम इंसान को खड़ा होना ही पड़ेगा। सो उस चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए टाइम मैनेज किया और आज हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं कि कमिश्नर साहब खुद चल कर आए हैं RWA में हमारे इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। सो मेरा सिर्फ एक ही सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर, बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद सबके सहयोग से, तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, अगर वो मूल मंत्र सब पकड़ ले तो शहर बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। वंडरफुल। एक चीज बताइए मोनिका जी, वन फाइनल क्वेश्चन, मैं फिर मनोज जी से भी बात करूंगी। हाँ जी, हम नसवा जी से जानना चाहते हैं, मोनिका जी ने तो खैर ड्राइव को यहाँ पर पुश किया, लेकिन हमारे साथ वार्ड 11 के पार्षद मनोज नसवा जी हैं। मनोज जी, जैसा कि कमिश्नर सर ने कहा कि हर चीज़ की पहचान पहले NIT से ही शुरू हुई है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे मार्केट हो, इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन NIT एरिया का और यहाँ के रेजिडेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट का रहता है, वो और किसी एरिया से कंपेयर नहीं किया जाता। एक तो इतने टफ चैलेंजिंग वार्ड को हैंडल करना और फिर ऐसे काम के लिए लोगों का सपोर्ट जुटाना कितना मुश्किल होता है। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो मैं सबको अपने गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम, मेरा जन्म तो भारत में हुआ है, लेकिन मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान लाहौर से आए थे, और हमारे समाज को पुरुषार्थी समाज इसलिए कहते हैं कि हम लोगों ने, कहते हैं मिट्टी के अंदर सोना उगलना बहुत मुश्किल काम है, तो उन्होंने जो किया है, जो हमारे बिल्कुल खाली हाथ आए थे और सबने अपनी मेहनत से यहाँ मकान बनाए, घर बनाए अपने, और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात की तारीफ करी कि इन्होंने जितना पैसा इस शहर को बसाने के लिए दिया गया था उसमें भी बचाव किया, उसमें भी बचाया। तो ये हमारा समाज, हमारे जो पूजनीय आदरणीय हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने जो मेहनत करी है, तो उनके आगे तो मैं नतमस्तक हूँ। तो आज ये बात हम लोगों को, ठीक है कहीं ना कहीं हमने कहीं गलती करी, तो उसको सुधारने के लिए भी हमारा समाज सबसे आगे आया है, और जैसा कि कमिश्नर साहब बोल के भी गए कि 85% लोगों ने खुद ही इस शहर को संवारने के लिए जो कार्य उन्होंने बताए वो किए। तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं भी मुझे समझाने की कहीं जरूरत पड़ी, किसी को बोलने की जरूरत पड़ी। ठीक है जी, एक बार जाके हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने अगले दिन वो कार्य कर दिया। हो सकता है कि एक दो लोगों ने ना किया हो, तो उसके लिए कमिश्नर साहब ने उनको कर्तव्य याद दिलाए और वो कर्तव्य उन्होंने पूरे किए। तो इस चीज के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस शहर के सौंदर्यीकरण में एक बार फिर से फरीदाबाद को सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने के लिए हमारी पूरे वार्ड की जनता, पूरे फरीदाबाद की जनता अग्रणी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नरेश जी, बिल्कुल सही बात कही। एक आम नागरिक की तरह ही नहीं, पर एक पीपल्स लीडर के नाते भी एक पार्षद का ये जिम्मेदारी लेना और खुल के अपने अपने वार्ड के या शहर के लोगों को ये मैसेज देना कि अगर हम अपनी ड्यूटी समझ लें तो हमें अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। हम केवल अधिकारों की बात करते हैं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ की बात नहीं करते, शायद इसीलिए अभी हम अपने मूल अधिकारों से भी वंचित हैं। But if we recognize our duties, then nobody can stop us from getting our fundamental rights. That's a wonderful statement for today. Wishing you all a wonderful Republic Day and swachh banaye rakhiye apne shahar ko aur isi tarah se contribute karte rahiye people's movement mein. Thank you. हमारे साथ जन सहयोग वेलफेयर फाउंडेशन के एसोसिएशन के बहल जी हैं। बहल जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर कितना समय हो गया एनआईटी में रहते? मेरा बर्थ प्लेस है 1 जनवरी 1952, मैं तब से यहीं रह रहा हूँ। अरे बाप रे, तो 1 जनवरी से आज तक आपने एज अ सिटीजन ऑफ एनआईटी बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, बहुत तरीके से समाज में, इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट भी किया होगा, लोगों की सोच को बनने से बिगड़ने और शायद अब बिगड़ने से बनने पर आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है ये चेंज जो अब हो रहा है? चेंज, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यादव जी को मैं अलग से 1-to-1 भी मिल के आया हूँ और अप्रिशिएट करके आया हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, कोई बिगड़ हैं तो हमारा समाज में 25,000 फैमिली जुड़ी हुई हैं, एम ब्लॉक से लेकर जी ब्लॉक, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई कमिश्नर आए जिससे ये वो कर सकें और हम उनका सहयोग दें। ये एक सपना था जब मैं दिल्ली कॉलेज पढ़ने जाते थे सोईनगर में, वहाँ अच्छे अच्छे पार्क हैं, बच्चे बैठते हैं, खेलते हैं। हाँ, उस टाइम से मेरे दिमाग में आया कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं यादव जी को दोबारा से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ में सहयोग देना चाहता हूँ अपनी संस्था की तरफ से, और अच्छे काम करने का अच्छे रिजल्ट होता है। मैं कम मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एस्कॉर्ट जामा से जीएम रिटायर हुआ हूँ, और काफ़ी कंपनी में आज भी कंसल्टेंट हूँ, डायरेक्टर, मैं यूरोप सारा घुमा हुआ हूँ। सर एक बात बताइए, जब हम लोगों के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो माइंडसेट चेंज करना कितना मुश्किल है? माइंडसेट चेंज करना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं मोटिवेशन हूँ। मैं YMCA 5 कॉलेजों में गेस्ट प्रोफेसर भी हूँ, मुझे मोटिवेशन करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने तो इसको अपना खट्टर साहब को कहा था कि आपके ऑफिसों में ऑफिसर्स गवर्नमेंट के काम टाइम नहीं आते, काम नहीं करते, उनको मोटिवेशन की जरूरत है। मेरे से दिलवाओ या किसी और से, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है, आने जाने का कन्वेंस कहीं बुलाओगे तो, लेकिन आप उनको मोटिवेट करिए। मोटिवेट करने से प्राइवेट फैक्ट्रियों से 1 से 5 क्यों बन जाती हैं, गवर्नमेंट की 5 से 1 हो जाती है, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन नहीं होता है।
दिस इज द मेन रीजन। उन्होंने कार्ड तो ले लिया लेकिन नहीं, हम बहल साहब की बात इस रिपोर्ट के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे नगर निगम तक, कमिश्नर यशपाल जी तक, कि वो बिना कोई खर्चा मांगे अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विसेज देना चाह रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू मोटिवेट द स्टाफ, मोटिवेट देम टू सी द सेम विजन एंड मोटिवेट पीपल। दिस इज अ बिग स्टेप फ्रॉम द सिटीजन ऑफ नॉट जस्ट NIT बट अ सिटीजन ऑफ फरीदाबाद। वी थैंक यू सो मच मिस्टर बहल। एक्चुअली इन्होंने कमिश्नर साहब ने पिछले जो आए थे वो ट्रांसफर जल्दी हो गए, तो उन्होंने कहा था बहल साहब आपको मैं एडवाइजरी कमेटी में लेता हूँ। मैं कह लीजिए, हम आपको सही बताएंगे सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम आपको फीडबैक देंगे। हम आपकी बात सर आगे तक पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।